Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Learning IQ, and today we will discuss new chapter Force and Laws of Motion. And this chapter is continuation of our previous chapter Motion, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था. उसके बारे में मोशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पहले ये देख लेते हैं. मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में बताया था मैंने आपको. अब लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक्सेलरेशन होता कैसे है, वेलोसिटी में चेंजेस आते कैसे हैं. कोई भी बॉडी है वो अपने स्टेशनरी से मूविंग पोजिशन में आता कैसे है, अपने पोजिशन को चेंज करता कैसे है. तो इस चैप्टर में हम लोग इसी सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को. पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है. इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इनर्सिया एंड इट्स टाइप्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और भी एक टॉपिक है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है. फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल. मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो धक्का देना या खींचना, इसे हम फोर्स कहते हैं. अब इसको थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि पुश और पुल फोर्स होता है. अब थोड़ा सा चेंज करते हैं. एनी एक्सटर्नल एफर्ट इज कॉल्ड फोर्स. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं तो उसे हम लोग फोर्स कहते हैं. ठीक, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखिए आपको पिक्चर दिख रहा होगा कि एक लड़का, एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, दरवाजे को ढकेल रहा, पुश कर रहा है. ठीक, वो क्या लगा रहा है, वो एक्सटर्नल इफर्ट लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है. सेकेंड में आपको दिख रहा होगा एक कोई बंदा है जो दरवाजे को खींच रहा है, वो भी क्या कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है. भले ही वो खुले या ना खुले, हो सकता है कि फोर्स कम लग रहा हो इसलिए वो ना खुले. तो ये सब क्या है, फोर्स का एग्जाम्पल है. थोड़ा सा और समझते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसमें आपको फोर्स के एग्जाम्पल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए आपको दो एग्जाम्पल दिख रहे होंगे. इसमें क्या है, एक में क्या है, इमेजिन ए कार टेकिंग सडन टर्न. एक कोई कार है, एक सडन टर्न जब लेती है कर्व पाथ में, अचानक से कर्व सडन कर्व में घूम जाती है, तो आपको क्या लगता है, आप जब बैठे होंगे कार में तो आप थोड़ा सा अपोजिट साइड झटका आपको लगता है, अपोजिट साइड की तरफ खिंचाते हैं आप, तो उस वक्त भी कोई ना कोई फोर्स उस पर लग रहा होगा. तो उस वक्त जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आपको देख लें, ये जब आप जब कर्व अचानक घूमते होंगे तो इधर की तरफ आप झटका लगता होगा, आप इधर की तरफ खिंचाते होंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है. अब कोई एक सेकेंड एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. दूसरा क्या है, एक मान लीजिए एक फुटबॉल है. ठीक, वो अपने स्टेशनरी पोजिशन पर पड़ा था. ठीक, वो जब तक पड़ा था जब तक कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं लगा तब तक वो उसी जगह पर पड़ा था. ठीक, बाहर से कोई आया, उसे किक किया, तो वो किक क्या था, किक क्या था, वो किक एक एक्सटर्नल इफेक्ट, फिर वो जमीन पे आएगा, फिर उस पर एक ग्राउंड से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जिसके कारण वो रुक जाएगा, नहीं तो वो आगे चलता ही, अगर फोर्स उसके लगता ही गया तो आगे चलता ही जाएगा. लेकिन उस कभी ना कहीं जाके वो रुकेगा, उस पर भी एक कौन सा फोर्स लगेगा, ग्राउंड की तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. मतलब कुछ किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट है, अ फोर्स और अ सेट ऑफ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी. ठीक, कोई भी आप लोगों ने गांव में या कहीं भी बच्चों को खेलते हुए देखा था, टायर पे मारते हैं वो टायर आगे बढ़ता जाता है, वो जितने तेज़ी से मारते हैं वो टायर और आगे स्पीड उसकी बढ़ती चली जाती है. तो ये सब क्या है, एक उस पे टायर पे एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण उसकी स्पीड चेंज हो रही है. ठीक, और सेकेंड पॉइंट है, अ फोर्स और अ सेट ऑफ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब आप लोगों ने क्रिकेट ग्राउंड में ये भी देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा, क्रिकेट ग्राउंड में कोई बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है, सामने बैट्समैन है, ठीक है, उस पे बॉलर बॉलिंग करता है तो बैट्समैन जब उसे हिट करता है तो वो क्या होता है, अपने डायरेक्शन, उसके बॉलिंग करने का डायरेक्शन कुछ और था, बॉल आने का डायरेक्शन कुछ और था, जब हिट करता है तो उसके डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो ये सब क्या एग्जाम्पल है फोर्स का, ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है. थर्ड है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. अब कोई बॉल है, उसे मैं दोनों तरफ से अगर पुश करूं, ठीक, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा.
वो थोड़ा सा दब जाएगा। तो उसमें अब ये क्या हो रहा है, उसमें मैंने एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, तो क्या होगा उसका जो बॉडी का शेप है, जिस बॉल का रबर बॉल का जो शेप है वो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वो शेप चेंज हो रहा है, मतलब डायमेंशन उसका चेंज हो रहा है। ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। थर्ड है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। बैलेंस्ड फोर्स, ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मूविंग विल नॉट स्टार्ट मूविंग इट इफ एक्टेड ऑन बाई ए बैलेंस फोर्स। इट मीन्स बैलेंस फोर्स में होता क्या है, जो हमारा जो टोटल फोर्स होता है वो जीरो होता है। अब इसका एग्जांपल आप लोगों को इस पिक्चर में दिख रहा होगा, एक टॉय कार है, ठीक। मैंने एक इधर से भी फोर्स लगा, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, देखिए इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक। तो इसमें दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, तो इसमें अब क्या होगा, ना वो टॉय कार अपने लेफ्ट साइड जाएगी ना राइट साइड जाएगी, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स इक्वल फोर्स लग रहा है। तो इसमें एक टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। बैलेंस फोर्स का मतलब यही होता है, ठीक। थर्ड है, सेकेंड पॉइंट है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन मोशन एन ऑब्जेक्ट आर अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए, ये आप लोगों ने स्कूल में कहीं ना कहीं गेम खेला होगा, डग ऑफ वार। डग ऑफ वार, इसमें क्या है, एक तरफ चार बंदे हैं, एक तरफ तीन बंदे हैं, ठीक। एक तरफ जाहिर सी बात है ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। अब ये न्यूटन क्या है, न्यूटन है इसमें एन से डिनोट करता हूँ। न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है, ऐसा यूनिट है, ठीक। अब देखिए यहाँ से, दोनों डग ऑफ वार जो गेम है, इसमें एक तरफ चार बंदे हैं, एक तरफ तीन बंदे हैं, ठीक। इसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो चार बंदे हैं तो एक तरफ ज़्यादा, ये चार बंदों की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, और तीन बंदे हैं तो इस तरफ कम फोर्स लग रहा होगा, कम न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स, मतलब ये राइट की साइड जो ग्रीन वाले जो बंदे हैं उनके साइड ये चला जाएगा, ठीक, क्योंकि इधर से ग्रीन वाले की तरफ से ज़्यादा न्यूटन का, मैक्सिमम न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। इट मीन्स इसमें टोटल फोर्स जो होता है वो जीरो नहीं होता है, बस यही समझिए कि इसमें टोटल फोर्स जीरो नहीं होता। और बैलेंस फोर्स में टोटल फोर्स जो होता है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स, सेम न्यूटन का फोर्स लगता है, इसलिए टोटल फोर्स उसमें जीरो होता है, ठीक है। इनर्शिया, देखिए इनर्शिया क्या है, इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ रेजिस्ट चेंजेज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब एज इनर्शिया। देखिए एक इनर्शिया, एक कोई भी बॉडी है उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी अगर रेस्ट पे पड़ी है तो जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, समझिएगा सही से, अगर जब तक उस बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो अपने पोजिशन को चेंज नहीं करेगी, ठीक। ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि उसे भगवान का वरदान समझ लीजिए वो मिला हुआ है किसी भी बॉडी को। अगर बॉडी मतलब प्लेन पे है रखी हुई, तो उस अगर प्लेन पर रखी हुई है तो वो अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उस बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो। इसी को अब हम लोग समझते हैं कि दो टाइप का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन। मतलब कि देख, कोई भी बॉडी अगर प्लेन पे पड़ी हुई है तो वो अपने, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी का, उसे समझ लीजिए भगवान का वरदान मिला हुआ है कि कोई बॉडी अगर प्लेन पे पड़ी हुई है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो मोशन में आए जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल इफर्ट या फोर्स ना लगे तब तक, ठीक। तो इसलिए इस कोई भी बॉडी होनी चाहिए कि वो मोशन में आए, या कोई बॉडी अगर मोशन में है, ठीक, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो रेस्ट में आए, वो आगे मोशन में रहेगी, वो मूव करती ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उस पर तब तक, ठीक। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखलाता हूँ, आप लोगों को पिक्चर में दिख भी रहा होगा। देखिए एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ, कार्ड रखा हुआ, कार्ड के ऊपर एक क्वाइन रखा हुआ है, ठीक। इस मैं अपने हाथ से अगर इस कार्ड को फ्लिक करता हूँ, मारता हूँ आगे की तरफ, तो मैंने फोर्स किस पे लगाया, फोर्स तो लगाया कार्ड पे, कार्ड था किस पे पहले, कार्ड था रेस्ट पोजिशन पे, ठीक। वो आगे जो फ्लिक करूँगा तो क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा,
लेकिन वो जो क्वाइन है वो क्वाइन क्वाइन पे तो कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो वो क्वाइन सीधा चला जाएगा ग्लास में, ठीक। ये इसका वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, ठीक। अब आपको मैं नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन समझाता हूँ। जैसे कोई एक साइक्लिस्ट है, ठीक ना, वो साइकिल चला रहा हो, रास्ते में साइकिल चला रहा, चलाते जा रहा, ठीक। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एफर्ट या फोर्स ना लगे तो वो साइकिल चलता ही जाएगा, ठीक। आप सामने एक कोई स्टेशनरी देखिए, आप दिख रहा होगा आपको एक साइकिलिस्ट से आगे साइकिल चला रहा है, जो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आ गया उसके पास, तो वो क्या हुआ, वो अचानक से रुक गया। तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो हुआ वो क्या हुआ, उसके कारण साइकिल पर फोर्स लगा जिसके कारण वो रुक गया और आगे की तरफ फेंका गया, ठीक। को इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और भी एग्जांपल मैं बतलाता हूँ। जैसे कि कोई ट्रेन है, ठीक, ट्रेन में हम लोग खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेन भी रेस्ट में है पहले, तो वो क्या होगी, रेस्ट से पहले मोशन में आएगी। रेस्ट में जैसे ही मोशन में आएगी तो आप क्या होता है, अचानक से पीछे की तरफ थोड़ा फॉल बैक होते हैं, ठीक। तो आप भी क्या, आपका जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो भी क्या, अब क्या हो गया, वो भी अब मोशन में आ गया। ये भी एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों सेम चीज़ है, ठीक। न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब किया था तो वो कुछ अलग नहीं था, वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही था, सेम दोनों चीज़ सेम है, इसीलिए हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं, ठीक। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion in straight line unless and until an external unbalanced force is applied on it। जब तक कि कोई external force या unbalanced force किसी object पे पड़े ना पड़े, तब तक कोई भी body अपने rest position पे ही रहती है। जैसे आपको एक picture में दिख रहा होगा कि एक लड़का है जो ball को kick कर रहा है, वो ball पहले क्या थी, अपने stationary position पे थी। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा या अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा, तब तक वो कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि मैंने आपको ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे कभी नहीं चाहेगी कि वो मूव करे या मोशन में आए, ठीक। अब ये कोई बॉल था, उससे जब तक कोई किक ना करे, जब तक वो उस पर फोर्स ना लगे, वो कभी मोशन में आने की नहीं आना चाहिए, क्योंकि समझ लीजिए उसकी इनहेरेंट टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। हम कोई लड़का आया, उसे किक किया, ठीक, किक किया तो बॉल आगे की तरफ मूव कर गई, ये क्या हो गया। अब ये बॉल किस में आ गया, मोशन में आ गया, पहले रेस्ट में था, मोशन में आ गया। ये आगे की तरफ जाएगी, फिर रुकेगी, ठीक, आगे की तरफ जाएगी, फिर उसके एक समय पर एक पॉइंट पर आके जरूर रुकेगी, क्योंकि उस पर फिर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्राउंड की तरफ से उससे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक, जिसके कारण वो बॉल कहीं पर जाके रेस्ट पोजिशन पर आ जाएगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है, लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दोनों सेम चीज़ है, इसमें और कुछ समझाने वाला आपको नहीं है। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन मैं बताऊँगा, फिर उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बाकी आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप आगे के वीडियो को देखते रहेंगे।